हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पोहा बनाने जा रहे हैं। तो बस ये बिना तेल के मैंने मूंगफली को अच्छी तरह से भून लिया है। तो आज मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट में पोहा ही दिया है और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, ये सरसों के दाने, कड़ी पत्ता, क्योंकि पोहे में कड़ी पत्ता का स्वाद तो सबसे मस्त है। और ये जो भुने थे मैंने मूंगफली के दाने वो डाल दिए हैं और ये मटर डाल दिया है। तो मटर हमारी फ्रोजन ही है क्योंकि अभी मार्केट में मटर आ नहीं रही है, तो मैंने फ्रोजन मटर जो मैंने स्टोर की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने फ्रोजन मटर स्टोर जो की है उसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसमें नमक डाल दिया है जिससे अच्छी तरह से मटर हमारी कुक हो जाए। तो मटर हमारी कुक हो गई है, अब इसमें डाल दिया है हमने पोहा। तो पोहा मैंने पहले से ही धुल के तैयार कर लिया था और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि पोहे में कलर के लिए हल्दी पाउडर डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये डाल दिया है मैंने पास्ता मसाला, क्योंकि अगर मैं इसमें सब्जी मसाला ऐड कर देती तो फिर बच्चे हमारे पसंद नहीं करते, तो मैंने पास्ता मसाला ऐड कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाल सकते हैं सब्जी मसाला भी। और थोड़ा सा देखिए, मैंने इसमें आधा कप के बराबर पानी डाला है। पानी मैंने इसलिए डाला है कि पोहा इससे काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और खिला खिला लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप जब भी पोहा बनाएं तो आधे कप के आसपास पानी जरूर डाल दें और एक बार ट्राई जरूर करें। इस तरह से बहुत ही टेस्टी पोहा बनता है और सबको पसंद आता है। तो देखिए, आधे कप पानी डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। तो पोहा जितना खिला खिला लगेगा उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा। तो मैंने मॉर्निंग में सभी के लिए ही पोहा बनाया है। तो देखिए, इसको अच्छी तरह से चला दिया है मैंने। तो देखिए, मैं इसको आपको पास से दिखा रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी टेस्टी लगा। तो 5 मिनट के आसपास मैंने इसको चलाया है, अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें आलू भुजिया, जो आलू भुजिया पोहा का मोस्ट इंग्रेडिएंट है। और ये डाल दिया है इसमें नींबू का रस। तो नींबू का रस भी डालने से पोहा का एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। और ये डाल दिया है मैंने आलू भुजिया, तो मैंने ऊपर से डाल दिया है। और आप जब सर्व करें तब भी आलू भुजिया ऐड कर लीजिए। तो देखिए कितना यम्मी यम्मी और खिला पोहा हमारा बनके तैयार है। प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो हमारे हस्बैंड को तो ज़्यादा आलू भुजिया पसंद नहीं है, तो मैंने इनके लिए ऊपर से आलू भुजिया नहीं ऐड की है। तो एक प्लेट में इनको निकाल दे रही है क्योंकि बच्चे तो गए हैं स्कूल। टिफ़िन दे दिया है मैंने और उनको स्कूल भेज दिया है। अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, तो ये हम लोगों का नाश्ता हो रहा है। तो ये डाल दिया है नींबू का रस। तो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं मंदिर। तो मंदिर में जला दिए हमने जोत। तो जोत हमने नहीं, यानी कि पंडित ने जलाई है। और हम आ गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा पूजा करने, जो हमारी सोसाइटी में ही मंदिर है। मैंने इसका ब्लॉग आप लोगों को दिखाया है कि कैसा मंदिर हमारी सोसाइटी में बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जय माता दी, ब्लॉग एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।